अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। ये हमारी न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट की सेवन्थ वीडियो है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने कोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कवर किया है। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को रिएक्ट जेएस में सेटअप किया और पैकेजेस वगैरह को सेटअप किया। बैक एंड प्रोजेक्ट को लारावेल में सेटअप किया। दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फ्रंट एंड का और बैक एंड का। और उसके बाद बैक एंड प्रोजेक्ट में टेलीस्कोप और सेंटम जो पैकेज है उसको इम्प्लीमेंट किया और बेसिक एपीएस क्रिएट किए हैं, जिसमें जो सेंटम की जो ऑथेंटिकेशन का फ्लो है उसको एज अ डमी टेस्ट किया। और टेस्टिंग एपीए टेस्टिंग के लिए हमने पोस्टमैन को यूज़ किया। और फ्रंट एंड में हमने बेसिकली रेडिक्स यूआई को यूज़ करते हुए रिएक्ट क्यूरी और बाकी जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है जैसे एक्सीएस और भी जो ज़रूरी पैकेज थे उनको यूज़ करते हुए रजिस्टर की यूआई बनाई है, लॉगिन की यूआई बनाई है, फॉर्म हैंडलिंग के लिए हमने अभी तक फॉर्मिक यूज़ किया है। इन चीज़ों को हमने अभी तक कवर किया है। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। ये हमारा बैक एंड प्रोजेक्ट है और ये हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे हमने राउटिंग कार्ड्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि स्लैश जो है वो होम पेज राउट है, आप देख सकते हैं उस पर राउटिंग कार्ड लगा हुआ है जो कि इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करता है। उसके अलावा अभी तक हमारी जो कंसोल है वो भी क्लियर है, कुछ एरर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जब हमने ये छोटी सी ये भी फंक्शनैलिटी ऐड की है कि जब यूज़र इसको सी और हाइड कर सके बेसिकली कंफर्मेशन के लिए। वंस अगेन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये हमारे कोर्स की जो पूरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है और ETC वो सारा मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि आप बड़े इजीली इस शॉर्ट यूआरएल को विजिट करके गेट कर सकते हैं। इसको आप गेट करेंगे और आपके पास ये सारा लोड हो जाएगा। शॉर्ट यूआरएल मैं एक दफ़ा बोल के बता देता हूँ, zions.com/newspaper-app/newspaper-app-download-course। सिंपल जो यूआरएल फॉर्मेट होती है उसमें न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, उसको आप विजिट करेंगे और आप इस फुल यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक है जो कि एक और पेज पे ले जाएगा zions.com की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि इस कोर्स के रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी वो मैं यहाँ पे मेंशन करता रहूँगा, और आप बाकी भी कोई कोर्स देखना चाहें तो वो भी देख सकेंगे वहाँ से। ओके, आज की वीडियो में हम मेनली बैकएंड पे काम कर रहे होंगे और हम लॉगिन रजिस्टर और लॉग आउट, ये तीन APIs और साथ में गेट यूजर API, इनको फाइनलाइज करेंगे बैकएंड में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे ताकि यूजर लॉग इन कर सके, रजिस्टर कर सके, लॉग आउट कर सके और यूजर का डाटा गेट होके लोकल स्टोरेज में सेट हो सके। ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम उसका बैकएंड कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कोड एडिटर को ओपन कर लूंगा और इस चीज को हम कंफर्म कर लेंगे। साथ ही मैं पोस्टमैन को भी ओपन कर लूंगा और इसे मैं यहाँ पे विजिट कर लूँगा एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो बैकएंड है वो रनिंग में है। ओके, हेलो फॉर जायंस, ये चल रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं कोड एडिटर में वापस आ जाऊँगा और एक API डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैंने लॉग आउट की API यहाँ पे की थी, लेकिन हम ऑब्वियसली इसके कोड लॉजिक को इम्प्रूव करेंगे। और जो टेस्ट APIs थी अभी के लिए मैं उनको कमेंट आउट कर रहा हूँ और बाद में हम इनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि कमेंटेड कोड भी नहीं रहना चाहिए आपके ऐप में, वही कोड हो जिसकी ज़रूरत हो। तो मैं इसे डिलीट ही कर दूँगा, जब ज़रूरत होगी तो बाद दोबारा ऐड कर लेंगे। ओके, अब मुझे सबसे पहले एक कंट्रोलर चाहिए, ऑथ कंट्रोलर, जिसे मैं क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। और मैं फुल कमांड्स लिख रहा हूँगा अंटिल अनलेस के मैं गलती से शॉर्टकट लिख रहा हूँ। मेक कंट्रोलर और ऑथ कंट्रोलर, API में मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंट्रोलर ही लिख रहा हूँ, दैट्स इट। और ये बेसिकली थोड़ी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे नहीं था क्रिएट करना, ये हमने क्रिएट करना था जायोंस की वर्क स्पेस में, तो हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। उसको मैंने डिलीट कर दिया और ये न्यू क्रिएट हो गया। इसमें अब मुझे फंक्शन चाहिए लॉगिन का, और अभी के लिए मैं रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूँगा जो कि रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स
जेसन, और यहाँ पर अभी के लिए मैं सक्सेस ट्रू कह दूंगा। जनरल मैसेजेस सिर्फ, और रजिस्टर और लॉग आउट, दैट्स इट। ये आ गया, अभी के लिए इसे इतना ही यहीं पे रहने देंगे। और एक कंट्रोलर मुझे और चाहिए जो कि मैं यूजर कंट्रोलर के तौर पे यूज करूंगा। यूजर कंट्रोलर, और ये मेरे पास यूजर कंट्रोलर आ गया। इसको बेसिकली यहाँ पे जो मुझे फंक्शंस चाहिए यहीं से मैं एक कॉपी कर लूंगा पॉथ कंट्रोलर में से। मुझे एक फंक्शन चाहिए गेट यूजर डाटा, और एक फंक्शन चाहिए अपडेट यूजर डाटा, दैट्स इट। अभी के लिए यही चाहिए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा वो ये है कि हम यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सॉफ्ट डिलीट्स। और इस चीज को यहाँ पे मैं डेटाबेस में भी अपडेट कर लूंगा। सॉफ्ट डिलीट्स, दैट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको कंट्रोलर को यहाँ से एक और कर लेंगे, और यहाँ पे टेस्ट एपीआई की जगह मैं एक और कलेक्शन यहाँ पे, सॉरी फोल्डर एक बना लूंगा, ऑथ एपीआई, जिसमें होपफुली आपने गैस कर लिया होगा एक रिक्वेस्ट बनेगी जो कि सबसे पहले अभी रिक्वेस्ट होगी लॉगिन की, लॉगिन, और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, और इसमें जो ये आएगा API/login, दैट्स इट। इसको हिट करते हैं। अभी ये बेसिकली क्योंकि हमने राउट डिफाइन नहीं किया, इस वजह से 400 आएगा। एक चीज़ जो डिफाइन मैं यहाँ पे कर दूंगा, जो कि मैं मेन में डिफाइन कर दूंगा, बेसिकली मेन में सिर्फ हम ऑथराइजेशन ही डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे चलिए एटलीस्ट ऑथराइजेशन डिफाइन कर देता हूँ कि वेरल टोकन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ auth टोकन का मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, auth टोकन, और इसको बाद में सेट कर लेंगे। बाकियों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर auth टोकन सेट कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑथराइजेशन ये इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट कर रहा है, ये इटसेल्फ इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट कर रहा है, और इसका जो पेरेंट है वो ये है जहाँ पे हमने ऑथराइजेशन को सेट कर दिया, तो होपफुली हमारा ऑथराइजेशन का काम हो जाएगा। ओके, ये इनहेरिटेंस इन प्ले है। नेक्स्ट हम ये हेडर्स मेनली हैं, और हेडर्स को मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है मेनली। ओके, नो प्रॉब्लम, वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेट कर लूँगा, एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट, और कॉन्टेक्ट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन जेसन, सेव एंड सेंड, और इसके साथ ही एटलीस्ट ये थोड़ा प्रॉपर हो गया जो हमें चाहिए। इसे मैं सेव कर लूँगा एक दफ़ा, और अब राउट्स डिफाइन कर दूंगा इन सब के लिए। अभी तक मैंने 5 मेथड्स डिफाइन किए हैं, अब मैं 5 राउट्स डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले राउट पोस्ट लॉगिन, और ये क्योंकि auth कंट्रोलर में है तो मैं एक कंट्रोलर ग्रुप बना लूंगा, राउट ग्रुप कंट्रोलर का, सॉरी कंट्रोलर, जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, जो कि ग्रुप होगा इन राउट्स का, और होपफुली इसी के साथ हमारा ये काम बेहतर हो जाएगा, और ये पॉइंट कर रहा होगा लॉगिन पे।
इसी के साथ मैं इसको कर लूँगा रजिस्टर, और जो पोस्ट है वो जो लॉगआउट है वो अब मुझे ऊपर ही चाहिए, लेकिन उसका बेसिकली मुझे उस पर मिडलवेयर भी चाहिए। इसका लॉजिक मैं यहाँ से कट कर लूँगा ताकि लॉजिक मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। और रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट मुझे बाकी दोनों में भी चाहिए क्योंकि उसमें मैंने लॉगिन का डाटा और जो डाटा आएगा फ्रंट एंड से उसका वो लेना, और यहाँ पे मैं लॉगआउट को कॉल कर लूँगा। यहाँ पे जो एक चीज़ जैसे मैंने बताई जो इसमें डिफरेंट होगी वो ये होगी कि मुझे इसमें मिडलवेयर भी चाहिए, ये वाला ऑथ का मिडल वेयर, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पर अब बाकी सबको ऑथेंटिकेशन का मिडल वेयर इन अ ग्रुप चाहिए, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर बेसिकली एक और ग्रुप चाहिए, उसको हम बाद में डील कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल में, यहाँ पर ही API URL जो कि होगा API कॉमन पाथ, और इसको मैं कर दूंगा स्लैश, यहाँ पे इसको सिर्फ APIs और दैट्स इट। ओके, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अगर मैं बाद में इसको बेसिकली यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर दूँ राउट का जो कि पाथ में अपेंड कर दे इन सबको, एक और पाथ नेम के साथ अपेंड कर दे, तो फिर हमें सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा और सब जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होगा, तो एज सच अभी कोई इतनी खास अमेंडमेंट नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये पाथ इंक्रीज होगा तो हमारे लिए काफ़ी, या चेंज हो जाएगा तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये मेनली फ्यूचर के लिए है, अभी के लिए इसका एज सच कोई फायदा नहीं। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से मैं इसको एंड पे से ये ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पे वापस आके आप कंफर्म कर लूँगा कि ये हिट करने पे एटलीस्ट हमें सक्सेस प्रूव आ रहा है, दैट्स इट। ये हमारा इतना काम हो गया। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे और इसका लॉजिक लिखेंगे। मैं यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर में आ जाऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इस रिक्वेस्ट पे वैलिडेशन लगाऊंगा, वैलिडेट। वैलिडेट मैंने क्या क्या करना है कि जो ईमेल है वो रिक्वायर्ड है, और ईमेल है, दैट्स इट मेनली यही, और जो पासवर्ड है वो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, और मेन सिक्स है, और मैक्स 30, शायद हमने फ्रंट एंड पे ऐड किया था, यहाँ पे भी 30 कर लेते हैं। सर मेन भी आया था मैक्स, या ओके ठीक है, दैट्स कंफर्म कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे हमने यही ऐड किया है कि कुछ और ऐड किया इसे, थर्टी। ओके,
ये हो गया। यहाँ पे जो इसके रिलेटेड एरर्स होंगे फॉर्म वैलिडेशन के, अगर इसमें जैसे कि अब अगर मैं इस एपीआई को सेंड करता हूँ तो मुझे एरर्स आ जाएंगे कि ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और इनको करेक्ट करने के लिए मैं बॉडी में आऊँगा, फॉर्म डाटा में ईमेल सेंड करूँगा और पासवर्ड सेंड करूँगा और सेंड करूँगा, अभी भी मुझे एरर आएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं दोनों में वैल्यू ऐड करूँगा, अब एरर मैसेज चेंज हो जाएगा कि ये सिक करेक्टर होना चाहिए और ये ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ईमेल का एरर खत्म हो गया। पासवर्ड का अभी भी है कि 6 डिजिट होना चाहिए, मैं इसको 6 करता हूँ, ये पासवर्ड खत्म हो जाएगा और सही आ जाएगा। और अगर मैं इसको बेसिकली ज़्यादा करता हूँ, ये 10 करेक्टर्स, 10, 20, 30 और 30 करेक्टर्स तक ये ओके है, लेकिन जैसे ही 31 करेक्टर होंगे तो वो एरर आ जाएगा कि नहीं, मैक्सिमम 30 करेक्टर्स ही चाहिए। तो ये भी चीज़, और इतना लंबा पासवर्ड होपफुली सिक्योर होगा। ओके, ये डिटेल भी मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, यूजर ईमेल, यहाँ पे टेस्ट यूजर ईमेल कह देते हैं और टेस्ट यूजर पासवर्ड कह देते हैं, ताकि किसी को मसला ना हो कि ईमेल वगैरह एक्चुअल की दी हुई है। टेस्ट करके होपफुली वो इशू क्लियर हो जाएगा उनका। ओके, और यहाँ पर ताकि अगर मैं कहीं और भी इसको यूज़ करना चाहूँ तो मुझे एटलीस्ट रिपीट ना करना पड़े और ऑटो कम्प्लीट मिल जाए, दैट्स इट। सेंड करेंगे और ये सक्सेस आ गया। ओके, ये काम हमारा वैलिडेशन का काम हो गया। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे वैलिडेट द इनकमिंग रिक्वेस्ट और प्रॉपर डाटा। नेक्स्ट अब हमने देखना है, हमने यहाँ से ईमेल निकाल लेनी है। रिक्वेस्ट गेट ईमेल और पासवर्ड, ये दो चीज़ें हमने यहाँ से कर ली। और ईमेल निकालने के बाद सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है इसका कि नहीं। यूज़र, यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल फर्स्ट और अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता रिटर्न। और यहाँ पे अब हम थोड़े से हेल्पर फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि जो हमारा बेसिकली काम है, जो लॉजिक है, वो हम कम से कम लिखें और वंस अगेन हम एक फॉर्मेटेड वे में चीज़ों को हैंडल कर सकें। ओके, अब यहाँ पे हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपली एक जनरल पर्पस क्लास बना लें, हेल्पर क्लास। यहाँ पे हम ज़ायोंस फोल्डर बना लेंगे, उसमें लेट्स से ज़ायोंस का फोल्डर नहीं बनाते, हम सिंपली हेल्पर्स किया बना लेते हैं और उसमें ओके यूटिल स्लैश हेल्पर डॉट php। ओके, ये बना ली और इसको यूटिल्स कह रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हम इसको मैनुअली लिख लेते हैं php। उसके बाद नेम स्पेस डिफाइन कर देंगे जो कि बनेगी ऐप और यूटिल्स और उसमें हेल्पर। बेसिकली हम जहाँ तक मेनली हमने फोल्डर तक आना था, हम इस फोल्डर तक आ गए हैं, तो ये मेनली इसकी नेम स्पेस बन जाएगी और उसमें क्लास बन जाएगी जो ये हेल्पर की क्लास है। हेल्पर मैंने नाम दिया। ओके, और अब यहाँ पे जो भी फंक्शन हमें चाहिए वो फंक्शन हम लिख लेंगे
और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए नॉट फाउंड, इसका हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन जो होंगे वो स्टैटिक फंक्शन होंगे ताकि हम इनको डायरेक्टली कॉल कर सकें। और इसे रिटर्न टाइप को अभी के लिए मैं रहने दे रहा हूँ, सेंड नॉट फाउंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और अब यहाँ पे जो बेसिकली एक फॉर्मेट डिफाइन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर लेंगे, जिसमें कि अगर हमने कोई एरर्स सेंड करनी है तो एरर्स को जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एरर्स का रिसीव कर लेते हैं एरर्स, और इनको यहाँ पर सेंड कर देंगे एरर्स। उसके बाद जो डेटा है वो नल होगा, और जो सक्सेस है वो पैरामीटर फॉल्स हो जाएगा, और मैसेज हम एक सेंड कर देंगे जिसमें कि हम बेसिकली मैसेज को भी यहाँ से रिसीव कर लेंगे मैसेज स्ट्रिंग, और ये बेसिकली जो है एरर जो है वो रैंडम होगा, और यहाँ पे मैं कह दूंगा आइटम नॉट फाउंड, यहाँ पे जनरल मैसेज रखते हैं नॉट फाउंड मैसेज। ओके, और इसी के साथ एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो है वो स्टेटस ऐड करना है, जो स्टेटस कोड होता है जो कि यहाँ पे नोट फॉर्म का 404 होता है, और उसके अलावा यहाँ पर मैं कोड असाइन करना चाहता हूँ जो कि अगर हमने फ्रंट एंड पे चेक करना हो तो हम एक तो स्टेटस से कर सकें और उसके अलावा कोड हमारे पास हो। उसके लिए मैं यहाँ पर अभी के लिए एक यूटिल्स में या मेन पे रहते हुए इनम्स बनाऊंगा, और सबसे पहले मैं देखूंगा लारावेल में एक इनम इसकी है कोई वो जो कमांड के नहीं। ओके, इसे ट्राई कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। PHP आर्टिजन मेक इनम, और आप बेसिकली PHP आर्टिजन मेक करके सारी कमांडें देख सकते हैं कि ओके कौन कौन सी अवेलेबल है, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं। आपको अगर बेसिकली कोई कमांड नहीं पता तो आप सिंपली उसको जितनी पता है उतनी लिखेंगे, बाकी ये लारावेल उसको कंप्लीट कर देता है जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि लुक एट द मेक इनम कमांड दिस एंड दैट, वेल यहाँ पे नजर आ रही है, ट्राई करते हैं मेक वेदर ही आएगा। ओके, इनम्स के फोल्डर में यहाँ पे डायरेक्ट अभी नाम मैं देता हूँ इसको, मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ, क्या नाम है, रिक्वेस्ट कोड नहीं रिस्पॉन्स कोड्स, रिस्पॉन्स कोड। ओके, और ये अवेलेबल नहीं है, डन है। तो यहाँ पर इनम्स स्लैश रिस्पॉन्स कोड इनम डॉट PHP, और इसका तरीका कार ये है कि सिंपली PHP को स्टार्ट करें इनम, और जो भी आपने नाम लिखा है उसको नाम को कॉपी कर लें, और इसकी रिटर्न टाइप को डिफाइन कर दें स्टार्ट करें, और जो भी आपने लिखना है लेट्स से केस केस लिखे के ओके ये सिंटैक्स है, और क्या मैंने लिखना था नॉट फाउंड नॉट फाउंड, और उसकी वैल्यू लिखते हैं जो भी आपको उसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू। और यहाँ पे नेम स्पेस भी फाइंड करनी पड़ेगी, नेम स्पेस जो के बन जाएगी ऐप और इनम्स, दैट्स इट। तो
इसको यहाँ पे हेल्पर्स में यूज कर लेंगे और यहाँ से नोट फाउंड और उसकी वैल्यू। तो ये तरीका है पीएचपी में इनम यूज करने का। काफ़ी बेसिकली ये पीएचपी 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है और एटलीस्ट मुझे काफ़ी पसंद है। उसके अलावा पीएचपी 8 में टाइप्स इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि वो भी बहुत अच्छा है। रिटर्न टाइप, ETC, आप सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो जो कि ना बहुत ही बेहतर हो गया। रिस्पॉन्स दिस एंड दैट, ओके अभी के लिए ये ठीक है। इसको हम यहाँ पे आके कॉल करेंगे। ओके सॉरी ऐसे कॉल नहीं करना, हेल्पर, सॉरी हेल्पर पहले ही है। ओके हेल्पर ना पहले भी 2-3 दफा लिखा हुआ है तो ये फिर थोड़ा सा मसला होगा। इसको मैं चेंज करके ऐप हेल्पर गया, यहाँ पे लेट से इसको NP हेल्पर, न्यूज़पेपर हेल्पर, ऐप हेल्पर ही क्या। कोई एक नाम डिसाइड कर लें जो सा आपको अच्छा लगे और उसको यूज कर लें। आप सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा सच मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर ये होता है कि आप अगर दोनों को आपने यूज करना हो तो आपको एलियस बनाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत उसमें हो सकती है कन्फ्यूजन। ओके यहाँ पे बेसिकली इसको जो चीज रिक्वायर्ड है वो मैसेज रिक्वायर है और दूसरी चीज़। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस आऊँगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैसेज अगर सेंड करना हो तो कर ले, अदरवाइज ज़रूरी ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और ये कह रहा है 1 आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड फाउंड 0 और एरर्स को मैं लेट से नल कह देता हूँ। ओके ये बेसिकली क्योंकि इसको वैल्यू साइन नहीं थी की गई इस वजह से इसको एज आ रिक्वायर्ड कर ट्रीट कर रहा था और इसको नल कहने की बजाय ओके नल इट। ओके डन, अगर एरर्स कुछ सेंड करने हो तो सेंड कर दें, अदरवाइज यही है। और अगर आपने मैसेज सेंड करना हो तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं जो कि बेसिकली हो जाएगा यूजर नॉट फॉर्म। लेट्स से इसको ट्राई करते हैं सेंड, और अभी यूजर डिलीटेड ऐड क्योंकि वो मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, ये डिलीटेड ऐड का सॉफ्ट डिलीट्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, ये सॉफ्ट डिलीट्स, और यहाँ पे ऐड करने की वजह से वो बेसिकली डिलीटेड ऐड की फंक्शनैलिटी सारी ऐड हो गई है ऑटोमेटिकली हमारे लिए। तो उसका तरीका कार ये है कि मुझे दोबारा से इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश डैशर सीट। अगर नहीं आपने सीट करना तो ना करें क्योंकि अभी कुछ सीटिंग के लिए है भी नहीं। इसको सेंड करें, अभी ये यूज़र नॉट फाउंड क्योंकि डेटाबेस क्लियर हो गई है और यूज़र नहीं फाउंड, एटलीस्ट हमारा जो हमें कोड वगैरह चाहिए था वो सही आ रहा। ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और मैं यहाँ पर एरर्स कुछ इस तरह सेंड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के हमें वैलिडेशन में एरर आते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको सेंड नहीं करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि एरर्स होते हैं ओके, और उसमें एक ऑब्जेक्ट, उसमें की का नाम और उसकी फिर अरे में उसके मैसेजेस होते हैं। तो मैं यही पैटर्न यूज़ करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल को यूज़ करूँगा, नो यूज़र फाउंड विद provided details। इसको मैं दोबारा सेट कर दूंगा और सेंड करूंगा। अब की बार आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट एरर्स का जो फॉर्मेट है वो भी ऐसे आ रहा है। तो ये एटलीस्ट पहले से हमारा बेहतर हो गया। इसको अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। यूजर अब मैं यहाँ पे बेसिकली जो है डमी यूजर क्रिएट कर लूंगा ताकि एटलीस्ट हम कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए मैं वेब में वापस आऊँगा, हमारे पास जो डमी यूज़र की API थी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक सिंपल राउट गेट का ही, क्रिएट यूज़र
कॉल फंक्शन। हम ये कोड डायरेक्टली उसमें लॉगिन में ही लिख सकते थे ऊपर एक टेस्ट के लिए, लेकिन चले ज़्यादा लौट बना लेते हैं। यूज़र क्रिएट और ईमेल a1hassan@gmail.com और पासवर्ड हैश मेक ओके क्रिएट यूजर करते हैं और इसको रिटर्न भी कर देते हैं। खैर देख भी लेंगे रिस्पॉन्स इसका। लोकल होस्ट 8000/create user और ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, यूज़र क्रिएट हो गया। अब अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि अभी वो यूज़र पहले ही क्रिएट एग्जिस्ट करता है। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अब अगर इसको कॉल करेंगे तो सक्सेस की API आ जाएगी क्योंकि ये हमारा जो अभी तक का लॉजिक था वो पास हो गया, यूज़र मिल गया। आगे हम अभी कुछ नहीं कर रहे, आगे हम ये कर रहे हैं। ओके यूज़र अगर मिल गया तो फिर एल्स के केस में हम ये बाकी काम करेंगे, पासवर्ड लेंगे और पासवर्ड मैच करेंगे इस पासवर्ड का, पासवर्ड हैश इक्वल टू हैश मेक सॉरी हैश चेक कर लेते हैं डायरेक्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू पासवर्ड है और जो हैश वैल्यू है वो बेसिकली हम इस यूजर में से ले लेंगे। ओके दैट्स इट और ये हमें आई थिंक बुलियन रिटर्न करता है। यस पासवर्ड मैच या मैच ओके अब अगर पासवर्ड मैच है तो सक्सेस रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न करना है बैड रिक्वेस्ट क्योंकि ये बैड इनवैलिड डाटा है। तो उसके लिए एक और मुझे वो चाहिए केस बैड रिक्वेस्ट